सिर दर्द की दिक्कत दूर हो गई, चाहे उस टाइम मेटिल का कोर्स 2-3 साल करने से हुआ या जो भी हो, तिल भी नहीं है मेरे इसमें रिमूव हो गया। एक सेम अब दूसरा कंडीशन तो है। मेरी भी थी सर, 10-15 साल 20 साल पहले मैंने भी स्टेमिटिल खाई है, महीना दो महीने उस माइग्रेन के लिए डॉक्टर ने स्टेमिटिल दवाई वो दी। देते और कुछ नहीं देते डॉक्टर? बहुत बहुत माइग्रेन होता था, बट स्टेमिटिल वॉमिटिंग के लिए गोली है, नॉट प्रॉपर फॉर हेडेक। अब पता नहीं वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो दिया, हाँ हमने विश्वास करके खाते रहे और मैंने लगभग 2.5-3 साल खाई है। चलिए अब जो एक और हम बात जी। सर एक सेकेंड, ये जो साइड में होती है ना, इसके अंदर जो होती है इसमें हाँ। ये किस एरिया में आएगी? क्योंकि ये अगर देखिए, अगर ये आप अंगूठा लगा के ढक जा रहा है तो ये आउटर स्कर्ट में है, ये मंगल के उग्र मंगल के बाहरी तरफ है, ठीक है, असर तो देगा कुछ ना कुछ, लेकिन जब ढक जा रहा है तो बहुत ज्यादा जैसे सिमी जी का और मेरा था ऐसा एक्सट्रीम पोजिशन नहीं है। फिर एक देखो चीज, पीछे की तरफ से दिखता है, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ को आ रहा है, पीछे की तरफ का मैं आपको आंसर पहले ही बता देता हूँ, मैं डिफेंसिव भी बाद में बताता हूँ। पीछे की तरफ को अगर आ रहा है या माइग्रेन के अलावा उग्र मंगल पर्वत पर अगर तिल आता है कहीं, अब पीछे की तरफ आ रहा हो यहाँ गया रहा हूं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड उसका डिवीजन जरूर होता है, डिस्प्यूट जरूर होता है, या उसका शेयर में कहीं ना कहीं गच्चा लगता है और एक्सट्रीम ज्यादा हो रहा हो तो क्रॉस भी आ रहा हो इस पर, तो कोर्ट कचहरी मुकदमा भी हो जाता है प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, या कहीं कहीं फिजिकल असॉल्ट वो खुद कर देता है, कर देती है, या उस पर हो जाता है, ऐसा भी होता है। अब बच्चों को आप डांटे बचपन के लिए नहीं, किसी स्टेज में अनवांटेड टाइम में या मेच्योरिटी एज में, मेजर एज में, तो ये चाहे उसका फिजिकल झगड़ा हो जाता हो, असॉल्ट हो जाता हो, वो कर दे या उसको कोई कर दे, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, ये पोजिशन हो जाती है कोर्ट कचहरी मुकदमा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है और बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हेडेक वाली बात तो अक्सर होती ही है, और दूसरी हमने जो बात कही वो दुर्घटना भी हो सकती है, चाहे हेड दुर्घटना भी ऐसा इंडिकेट करता है, लेकिन जो जो लिटिगेशन होगा वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होगा ना, और कोई तो ज्यादा चांसेस तो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होते हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टी प्रोफेशन में नहीं। हाँ, अगर प्रोफेशनली आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिसका लिंक प्रॉपर्टी से है, या आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को डील करते हैं, जैसे मेरे पास है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, मैं जो काम करता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट्स का काम है, प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसमें कहीं लिटिगेशन हो सकता है मेरी डेफिशिएंसी की वजह से या किसी और की वजह से, मेरा टाइम जो हार्ड चल रहा है, टफ चल रहा है, तब ऐसे बात हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल इसमें रिलेशंस हैं, है ना। और फिर भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम एक ही उससे सीमा जी की फाइनल कंक्लूजन नहीं है, ये ऐसी इंडिकेशन है, ऐसा इंडिकेटिंग फैक्टर है, ऐसा ब्रह्मा जी कहें या समुद्र ऋषि कहें, ऐसी उनकी आदेश है, ऐसी उनकी मंशा है, ऐसे उन्होंने बताया। पर्वत जो होती है उससे नीचे भी तो हो जाएगा ना जी? सर मंगल पर्वत जो है उससे नीचे भी हो सकता है कि उससे नीचे होगा, तो ये मंगल अगर शुक्र उससे नीचे तो फिर शुक्र पर्वत होगा ही ना, शुक्र पर्वत उन्होंने बाहर, हाँ ये बाहरी एरिया जो आप दिखा रहे हैं ना, बाहरी एरिया में अगर हो जहाँ ये ढक जा रहा है, बाहरी एरिया में हो तो, या कुछ ना कुछ बाकी हेडेक या एक्सीडेंट ना भी कराए तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी टेंशन तो दे देगा, बीपी तो दे देगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिव, कभी एक बार ऐसा होता है हमने पैसा दे दिया खरीदने के लिए, हमने पैसा दे दिया, सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई, कहीं डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिले ही हो गया, 6 महीने डिले हो गया, एक मेरा लोन अभी है उसका कोविड के चक्कर में उसका लोन रिकवरी भी हो रही थी उसकी इंस्टॉलमेंट की, लेकिन रिली डिस्पर्स नहीं हुआ था, अब क्या हुआ, अब वो बैंक ने मना कर दिया, फाइनेंस कंपनी थी प्राइवेट उसने मना कर दिया, अब नहीं दे रहे, उनके फाइनेंस नहीं है, अब उनका कोर्ट केस चल रहा है। सर बेसिकली ये होता है कि पैसा फंसना है ना, पैसा फंसना, हाँ, और पैसा के वजह जो है, रीजन जो है मोस्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहते हैं मूवेबल नहीं, मूवेबल तो गाड़ी घोड़ा भी है फिर आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब जो डिफेंसिव मार्स है, सौम्य मंगल पर्वत है, सौम्य मंगल का काम वैसे तो है उग्र मंगल को कंट्रोल करना, और अगर वीक है तो इसको पुश करना,
बढ़ाना। लेकिन सौम्य मंगल पर अगर तिल है तो ऐसे जातकों की जो प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल दोनों, वो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करने की टेंडेंसी रहती है, चाहे हाईवे के लिए प्रॉपर्टी का उसका एक्विजिशन हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। आप इलेक्शन का टाइम देखते हैं, इलेक्शन के टाइम में बहुत सी बसें गाड़ियां आरटीओ ले लेता है, क्योंकि उसके पास उस टाइम इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर है, वो 15-15 दिन 20-20 दिन 1-1 महीना उनके पास रहती है, या कब्जे में ही ले लिया, कोई डिस्प्यूट हुआ कोई बात हुई जब्त हो गई उसकी गाड़ी, कोर्ट में जब्त हो गई, फाइन हो गया उसका। आपने कभी सुना हो एक बार दिल्ली गवर्नमेंट ने हरियाणा रोडवेज के लिए ऑर्डर कर दिया था कि उसकी 4 बसों को जब्त करके उसके पैसे दे के कम्पनसेशन दे दो, कोई एक्सीडेंट केस था, पैसा हरियाणा रोडवेज ने नहीं दिया, तो ऐसा ऑर्डर हुआ था। तो इस तरह का ऑर्डर हो सकता है। तो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो उसको अगर सौम्य मंगल पर डिफेंसिव मास पर तिल है तो उसको एक्विजिशन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे इंक्लूडिंग कोर्ट कचहरी जो भी है ना। आप कोई नहीं रिपे कर पाए तो अटैचमेंट हो जाती है, कुर्की हो जाती है जिसको हम कहते हैं, अटैच हो जाना, कुर्की हो जाना, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसी संभावना तिल की ये पर्वतों पे होती है। दो चीज हमने जान ली, किसी रेखा पे शुभ नहीं है, ठीक है ना, किसी पर्वत पर अलग अलग फल है। अब जो हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा की, अगर हम रेखाओं की कुछ बात कर ले क्या हो सकती है, जीवन रेखा पर अगर तिल है तो वो कहीं ना कहीं रोग देता है, और रोग जो बीमारी है अक्सर त्वचा के रोग दे देता है, लकवा दे देता है, फूड पॉइजनिंग दे देता है, या हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, जिगर के दे देता है, या घबराहट उसके उसको जातक जातिका को हो जाती है, या विजन नेत्र दोष या आंखों की परेशानी, आंखों के रोग दे देता है अगर ये जीवन रेखा पर हो तो। इसी तरह अगर ये तिल मस्तिष्क रेखा पर हो तो उग्र मंगल की तरह, उग्र मंगल पर्वत की तरह वो कहीं कहीं सिर में चोट, सिर में टेंशन, घबराहट, एक्सीडेंट की पोजीशन देता है। हार्ट लाइन पर अगर हो तो कहीं कहीं उसके प्यार में कमी, उसके दिल में कमी, उसके सम्मान में कमी, उसकी खुशी में कमी दे देता है। भाग्य रेखा पर हो, भाग्य रेखा पर हो तो भाग्य में कमी करा रहा है, डार्क स्पॉट बना रहा है, धब्बा लगा रहा है भाग्य में, भाग्य को कम कर रहा है। सूर्य रेखा पर हो तो उसका जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, जो उसके चमकने की पोजिशन है, उसको रुकावट कर देता है। मंगल रेखा पर तिल हो, मंगल रेखा पर तिल हो तो वही टेंशन देने वाला है। जो जो मंगल रेखा जो सपोर्ट रेखा का काम करती है, जीवन रेखा का, सहायक रेखा का काम करती है, तो उसके बदले वो जीवन रेखा को भी खराब करेगी, मंगल रेखा के फल, और शुक्र पर्वत पर होगा क्योंकि मंगल रेखा शुक्र पर्वत पर है तो उसके फलों को भी बिगाड़ेगी। इसी तरह अगर स्वास्थ्य रेखा पर अगर तिल हो तो एक से अधिक रोग या रोगों के में मल्टीप्लीकेशन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ, मणिबंध की रेखा पर यदि तिल हो तो वो दोषपूर्ण नहीं है, अर्थात मणिबंध की रेखा के जैसे फल वैसे ही रहेंगे, मणिबंध रेखा पर कोई दोष नहीं मान। अब थोड़ा सा तिल सर, हम सर और रेखा हो ही ना के, मतलब रेखा में नहीं, मोल हो ही ना तो तिल ना हो, मोल नहीं हो तो बहुत अच्छा है, मोल नहीं हो तो बहुत अच्छा है, कोई जरूरत नहीं मोल की होने की। हाथ होना चाहिए, उंगलियां होनी चाहिए, हथेली होनी चाहिए, नाखून होनी चाहिए, बाकी रेखाएं ना भी हो कोई बात नहीं, कुछ डेफिशिएंसी रह सकती है, लेकिन हमने बात कर ली कोई रेखा नहीं है तो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ कर लेते हैं पर्वतों के से, हथेली को देख के नहीं देख रहे कोई रेखा, देखिए अगर भाग्य रेखा नहीं है आप देखिए, आप थोड़ा समझ मानने लग गया, इसको आप इस तरह से स्क्वीज कर दीजिए स्किन को अपनी, तो आपको भाग्य रेखा शनि क्षेत्र में देख कर लें वो एरिया दिख जाएगा, सूर्य रेखा कर लें उसमें दिख जाएगा। हाँ, विवाह रेखा नहीं है तो विवाह रेखा के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें नहीं दिखता, मणिबंध के नहीं दिख रही है कम है तो मणिबंध को आप देख के आप स्किन को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, ऊपर से नीचे खींच सकते हैं मुख्य रेखा। हाँ बिल्कुल, रेखा ये दबाने से ऐसे भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई दिख रही है। हाँ निकल सकती है, एरिया उसका मणिबंध से है
क्षेत्र उसका चंद्र पर्वत भी आ सकता है, शुक्र पर्वत से भी आ सकती है, सूर्य पर्वत के नीचे से भी आ सकती है, थोड़ी ऊपर से है आपकी भाग्य रेखा, लेकिन साफ दिख रही है रेखा। तो ये रेखाओं के फल ऐसे हैं। अब थोड़ी सी बात हम रेखाओं के तिलों के बारे में, उंगलियों के पोरों पे जनरली तिल जो है उंगलियों के पोरों पे कहीं ना कहीं कमी बता रहे हैं, जिस भाग में वो उसके जो फल हैं, लीडरशिप क्वालिटी जिस जैसे हमने पहले पोर की बताई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं धब्बा लगता है, डेफिशिएंसी होती है। जो उसके गुण है उंगलियों के पोरों के पर्व जिसको कहते हैं हम, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डेंट करते हैं, कुछ कमी करते हैं। ये कमी उसी तरह करते हैं जो हमने बात की थी कि पोरों में अगर सीधी रेखाएं दिख रही हों, सीधी रेखाएं दो जैसे होती हैं, या बीमारी से या स्किन बहुत लूज हो गई हो, ढीली हो गई हो, और तीसरी बात ओल्ड एज की वजह से, है ना। तो वैसे तो इसमें जो खड़ी रेखाएं ही होती हैं, हाँ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देख, हाँ ये अंदर की तरफ अगर तिल है, अब इस भाव में गुरु पर्वत पर जो तिल थे, इससे गुरु की उंगली के तिल वही फल देते हैं। मध्यमा में है मेरी, मध्यमा में थे। शनि पर्वत पर तिल क्या देते थे, शनि पर्वत पर तिल धनी होने का योग बना रहे थे, तो मध्यमा पे भी तिल अगर है तो वो धनी होने का योग को, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अब किस पोर में है, उस पोर के जो फल हैं उन फलों को कुछ ना कुछ तो कम करेंगे। आपका उच्च के सूर्य तो हैं, उच्च के सूर्य तो हैं, लेकिन डिग्री उनकी अभी 3 डिग्री से कम है, या 1 ही डिग्री है, या 0, ये संक्रांति है। हाँ शुक्र पर्वत गुरु पर, गुरु की उंगली के ऊपर ये हाँ। तिल है या वैसे ही धब्बा है कुछ, क्या है? तिल ही है, तिल ही है, तिल ही ये क्या फल देगा अब, क्या इसके फल देखो, गुरु पर्वत के क्या फल थे, धनी होता है, योग तो शनि पर्वत पर थे, जब धनी होता है तो गुरु से संबंधित धन देंगे, लेकिन इस दूसरे पर्व के क्या फल हैं, उस पर्वों के फलों में कमी करेगा। और जो आपका एग्जैक्ट जो है, जो एग्जैक्ट जो है, ये जो बैंड है ना जोड़ पर आ रहा है, आप मोड़ेंगे तो जहां जोड़ है ना जोड़ पर आ रहा है, बिल्कुल जोड़ या हम दूसरे कहते हैं ये संधिकाल है, हाँ बिल्कुल संधिकाल में है, जोड़ पर। संधिकाल क्या है, मुहूर्त के लिए जो हम सायंकाल जो गोधूरी लग्न है ना, गोधूरी लग्न मुहूर्त के लिए तो अच्छा माना गया है, किसी मुहूर्त के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन वो शुभ कार्य के लिए। और प्रातः काल का जो सूर्योदय का समय है वो भी अच्छा माना गया है, लेकिन दोनों जो समय है भोजन के लिए, भक्षण के लिए नहीं माने गए हैं, रति क्रिया के लिए अच्छे नहीं माने गए, पूजा पाठ हवन करने के लिए, कर्म करने के लिए, शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने गए। यात्रा आप कर रहे हैं, विवाह का आपका बारात आ रही है, जा रही है, मिलन हो रहा है, उसके लिए अच्छा माना गया है, गोधूरी लग्न हो या प्रातः काल का सूर्योदय का लग्न हो। लेकिन जो बाकी चीज रिस्ट्रिक्टेड भी है, तो इसलिए ये गोधूली की पोजिशन है, तो ये क्या करेगा, या संधिकाल जो है, संधिकाल जैसा समय है, ये बीच के पोर के भी फलों में व्यवधान करेगा, नीचे वाले पोरों में भी व्यवधान करेगा, इनको आप देखिए, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर सर मैं इसको, सर मैं इसको कैसे रेट करूंगी जो तिल दोनों उंगलियों के बीच में ढक रहा है, कवर हो रहा है, अंदर की तरफ ढक रहा है। हाँ जी, अच्छा जब हम मिला लेते हैं ऐसे तो इसके बीच में दिखता है कहीं। हाँ जी, इसके फल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं, जैसे अभी हमने देखा ना कि ये अंगूठे से उग्र मंगल पर्वत के ऊपर जो कैमोफ्लाज हो जा रहा था, ढक जा रहा था, ऐसे ढक जा रहा था ना, मतलब फल उसके क्या हुआ, जीरो तो नहीं हुए, कुछ कम हो गया, नेगेटिविटी कुछ कम हुई। ये जो अगर किसी भी उंगली के बीच में ये ढक जाता है, कैमोफ्लाज हो जाता है, तो फल कंपेरेटिवली कम हुए, लेकिन फल उतने ही मिलेंगे जिस पोर के फल है, जिस उंगली में है उसके फलों को वो आएंगे जरूर, उसके फल वो देंगे जरूर। आप ये कह सकते हैं ना इसको कि प्रत्यक्ष नहीं के अप्रत्यक्ष रूप में होंगे, ये कह सकते हैं। दूसरी बात, ये बात भी लगभग ठीक ठाक है, लेकिन जो सही बात तो यही है, एक्यूरेट बात तो यही है कि वो 100% नहीं देंगे, 50-40-30% कुछ तो देंगे। सब टाइम जो आपको दिख रहा है वो ऐसा ना हो करके, वैसा ना हो के कुछ
हाँ देखिए ना कुछ क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी चाय और चीनी की बात की, एक चम्मच चीनी डली है या सवा डली है, मीठा तो है, सवा वाले में कुछ बढ़ गया है और डेढ़ में कुछ और बढ़ गया है, और अगर नहीं डली है बिल्कुल फीकी है, जैसे मेरे पास अभी आ गई है ये बिना चीनी वाली चाय है, तो ये तो फीकी है, फिर इसमें से शुगर नहीं है, ठीक, क्योंकि ये ना होना तो बिल्कुल, हाँ ये ढक रहा है तो यस, ढक रहा है तो आप कह सकते हैं कि चीनी बजाय एक चम्मच के आधी चम्मच है, सवा चम्मच के बदले एक ही चम्मच है, पौना ही चम्मच है या चौथाई चम्मच ही है, क्वार्टर ही है, लेकिन है, क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, उसका इफेक्ट इम्पैक्ट कम हो गया, है ना। आप सबको मैं कहता हूँ चाय, सर मोल अगर पीछे भी हो सकते हैं ना, पीछे भी तो हो सकते हैं, अब आने दीजिए, पीछे मैं आ रहा हूँ, अभी थोड़ी सी और बात करूँ, पीछे की थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं, पीछे के अलावा मैं फेस पर भी थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बॉडी के कुछ पार्ट्स में जो थोड़ा सा जितना जरूरी उतना कर रहा हूँ, पूरी बॉडी की नहीं बात कर रहा, थोड़ी थोड़ी बात फेस में, बॉडी में भी बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, ये फेस बैक में भी इसमें बात करेंगे। अब जो अगर आंख में तिल हो, कभी आपने देखा, आपके किसी के है या किसी का, उसका आपने देखा, कुछ कहा दंत कथाएं या कुछ कहावत या बात सुनी हो या आपने नोटिस किया उसके कैरेक्टर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, लक के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में, कोई ऐसा देखा है? कुछ ध्यान नहीं है। अब आप ध्यान रखिए, अगर किसी के है तब भी और आपके है तब भी, तो ऐसे जातक जातिका और प्रेमी होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, अफेक्शनेट दूसरे को देखने से मिले, चार्मिंग दिखे, वो दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हों, अच्छी भावना रखते हों, वो अपने संतान के प्रति रखते हों, अपने फेस के बारे में रखते हों, एक तो फल इसके प्रेमी स्वभाव होता है, एक दुत्कार देने वाला है, एक अफेक्शनेट है, कुछ बात की सुन तो लो उसकी बात। दूसरा, उसका जो आंखें जो हैं, वो काजल लगाए या ना लगाए, विशेषतर जेंट्स तो कम लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, काजल लगाए ना लगाए, उसके आंखों में एक अट्रैक्शन होता है, एक मधुसी होती है, दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। अज्ञान चक्र पे आपने कभी देखा होगा, कहते हैं ना ध्यान लगाइए, अज्ञान चक्र पे ध्यान लगाइए, तो क्या करते हैं हम, बेसिकली इसको जागृत कर रहे हैं, तो वो आंखों में अगर तिल है, दोनों में है तो ज्यादा है, एक में है तब भी, तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करने की, सम्मोहन करने की, जो सही वर्ड अब आया मेरे को, सम्मोहन करने की पावर होती है, शक्ति होती है उस जातक जातिका में, किसी में भी होती है। और यहाँ का जो तिल है ये भी कैश में, काइंड में, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी वैल्यू एडिशन कराता है, देने वाले होते हैं यहाँ के दोनों आंखों का तिल। ओके, अब ये चीक्स में तिल होते हैं ना, गालों में, पर मेरे यहाँ पे है ये। दोनों आज्ञा चक्र पे है ना, ये आज्ञा चक्र के पास है, आज्ञा चक्र के पास है, थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल नोज का दिख लिया, बिल्कुल दिख गया था। आज्ञा चक्र क्या है, ये कंसंट्रेशन करने वाली जगह है, पूरी बॉडी में अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं तो यहां आप ध्यान लगाए, आप खुली नेत्रों से या बंद नेत्रों से, आप सोते हुए या जागते हुए, खाते हुए या बैठते हुए, यहां अगर आप कंसंट्रेशन करते हैं, एक सेकेंड भी अगर कंसंट्रेशन करते हैं, हो सकता है आपको नॉलेज कंसंट्रेशन की ज्यादा हो, तो बाकी चीजों को आप भूल जाते हैं, आपका जो पावर है, विजन है, विजडम है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, मींस आपकी कंट्रोलिंग पावर, इफेक्टिवनेस, बहुत उसका रेशियो अप हो जाता है। ये मेरी बाय बर्थ है सर, बाय बर्थ है, तो मींस आपकी कंट्रोलिंग पावर, अट्रैक्शन पावर, ग्रास्पिंग पावर या दूसरे को डायरेक्शन देने की पावर, डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है, है ना, ये आज्ञा चक्र का फल है। अब दूसरा हम तो बात कर, आज्ञा चक्र तो नहीं, लेकिन एक आईब्रो में शुरू में यहाँ पर छोटा सा है, तो शर्मा जी बता ही रहे ना, फिर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने तो कही है ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से ये पता नहीं है, वो बढ़ा हुआ स्किन बड़ी हुई है या क्या है, मुझे यहाँ पर भी एक ऐसा छोटा सा फील होता है। अरे मैडम, अभी एक साल पहले तो 2-3 प्रॉपर्टियां खरीदी आपने। चलिए गुड, अब हम चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है हम बहुत स्लो चल रहे हैं। नहीं सर, अच्छे, अगर ये क्लैरिटी है, क्लैरिटी आ रही है हर टॉपिक।
मैं कह रहा हूँ सोच चलते हैं, कोई बात नहीं, बात है कि है दोनों, दोनों ही है केस में गेन सबका है, आपका भी मेरा। अगर ये इनमें चीख से मैं गालों में तिल हूँ, शर्मा जी को तो साफ दिख रहा है ना? हाँ मेरे है सर, दिख रहा है ना, तो मेरे दो, मेरे दोनों तीनों साइड है, मेरे यहाँ भी है। हाँ ये वाला तो लेफ्ट वाला दिख रहा है, तो ये दाढ़ी आ गई ना इसकी वजह से छुपे हुए हैं। तो ये जो है ब्यूटी का एक सिग्नल है, सिम्टम है, और ये अट्रैक्टिव करने की फिर इसमें टेंडेंसी होती है, या इन पर दूसरे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या अपने ये भी दूसरे पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज्यादा ये होता है इन पर ही दूसरे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी एज में हो। और ये इसी तरह उसी तरह है जैसे अगर डिम्पल आ जाते हो गालों में, गड्ढे जो पड़ते हैं ना बहुत करते हुए बात करते हैं, नॉर्मल गड्ढे नहीं वैसे हो, वो भी अट्रैक्शन का एक सिंबल है, सिम्टम है, ये फेस सीटिंग में हम करते हैं। और तो चाहे डिम्पल हो या तिल हो तो वो भी अट्रैक्शन बता रहे हो। और यही अगर दोनों हमारे नाक के ये जहां पे मेल से जो मुस्टेस है ना, मूछे जो है मूछों पे हो या होठों पे होनी चाहिए, अब चाहे किसी के भी हो, आपके तो मेरे, मेरे तो नहीं है, आपके अगर है भी तो वो कवर हो गए, फीमेल्स के दिख जाते हैं जिसकी मूछे नहीं होती दिख जाती, तो ये भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिवनेस है। और ऊपर के हिस्से में जहां मूछे होती हैं मेल या फीमेल जिसके भी हो, ऊपर के होठों में अगर हो तिल, तब उनका अट्रैक्शन लेवल ज्यादा होता है, या उन पर दूसरे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो दूसरे पे हो या ना हो। और नीचे वाले अगर हो, नीचे वाले होठ पे अगर हो, है ना, नीचे वाले होठ पे हो, तब वो अधिक इफेक्टिवली बोलने वाले होते हैं, अधिक इफेक्टिवली इंप्रेस करने वाले। ये अट्रैक्शन है, ये इंप्रेस करने वाले, इंप्रेशन की पोजिशन है दोनों केस। और यदि अगर ये चिन्ह पे आ जाए, ये ठुड्डी है, चिन्ह पे आ जाए, है ना, चिन्ह पे चाहे गड्ढा हो या तिल हो जाए, तब इसके फल जो है वो कंट्रोलिंग पावर होती है उसकी। जैसे अट्रैक्शन पावर डिंपल में और तिल में, चीक्स में थी, गालों में थी, ये भी उस पर कंट्रोलिंग पावर होती है। और यदि गले के बीच में आ रहा हो, जो कंठ में आती है हमारे गले के बीच में आ रहा हो तिल, हाँ, तो ऐसे जातक जातिकाओं का आप चाहे लता मंगेशकर या अनुराधा पौडवाल या आशा भोसले की तरह कैसे, गला अच्छा होता है, सुरीला होता है एक। और दूसरा उनको कहा है कि अगर गले में एक से अधिक तिल हो, एक में भी उनको कुछ मिलता है, एक से अधिक हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं के पास सवारी सुख मिलता है। मीन्स इनको जो भी ये ट्रेवल करते हैं उनको इंतजाम रहता है, और अच्छी ट्रेवल मिलती है, कंफर्ट मिलता है, अधिक ट्रेवल मिलता है, या टू व्हीलर वाला है, फोर व्हीलर वाले में मिलता है, फोर वाला है, जहाज में मिल रहा है, ट्रेन में मिल रहा है, स्टैंडर्ड है, क्लास है, एलीटनेस है, वो बढ़ती है। अब यही अगर उसके मिस हो जाता बीच में, दोनों स्तनों में हो, अगर फीमेल के दोनों स्तन में है, तो उस जातक जातिका के जो बच्चे हैं वो सुदृढ़ होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, मातृभक्त होते हैं। और अगर फीमेल मेल के इस दोनों स्तन में हो तिल, तो वो उस जातक जातिका के बच्चे जो है, संतान जो है, वो माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, गुणकारी होते हैं उनके। मेरे हैं, मैं ही आज्ञाकारी हूँ, मेरे बच्चे तो आज्ञाकारी नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं होगा सर, वो तो मुझे पूछना पड़ेगा। जिसके और, हैं उसके बच्चे, है ना सर? और दूसरी बात, एक चीज और भी कही गई है उसमें, अब मेल या फीमेल किसी के भी स्तन में हो या आसपास हो, तो उनकी संतान योग्य भी होती है, अयोग्य मूर्ख नहीं होती, योग्य होती है। बातें बताता हूँ। और इसके अलावा दोनों जंघाओं पर अगर हों, थाइज पर दोनों हों, तो वो जातक जातिका का मूवमेंट, चलना, फिजिकल मूवमेंट अधिक होता है,
और ये बातों को आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारी फिजिकल चलने वाली यात्राएं थी रेखाएं हैं वो भी आपको रिलेट हो रही होंगी उससे। अब माथे पर अगर तिल हो, एक तिल हो माथे पर, है ना, तो माथे को अट्रैक्शन को बढ़ाता है। एक से अधिक तिल हो और अब पूरे फेस में या पूरी बॉडी में कहीं भी तिल के अलावा तिल का साइज बड़ा हो जाए, उसको मत्स्य कहते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो कुरूपता भी देता है, नेगेटिविटी भी देता है, इलनेस सिकनेस भी देता है। माथे पर अगर एक तिल हो तो उसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन उसका फेस पे बढ़ाता है। हालांकि माथे पे कोई भी तिल होना बहुत अच्छा नहीं माना गया, रेखाएं भी लिमिटेड रेखाएं ही और सीधी रेखाएं ही शुभ मानी गई है, लेकिन अगर अधिक रेखाएं, पूरी बॉडी तिली है, बाजुओं पे इतने तिल है मेरे तो, बाजू पर तिल है तो मीन्स, अब दूसरी बात हम कर देते हैं तिलों की, तो फिर हेड की बात की थी, हेड पे एक तिल हो तो अट्रैक्शन बताता है, बहुत अधिक तिल हो तो नेगेटिव यूज कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हूं। अब बॉडी पे कोई भी चीज, ये नॉर्मल चीजें नहीं है, अगर कम हो या ना हो तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव रोल नहीं है, और अगर कम भी तिल है तब भी उसका प्रभाव लिमिटेड है, अच्छे या बुरे कम है। और बहुत अधिक तिल है, जैसे कहने बहुत अधिक तिल है, तिलों से भरी हुई बॉडी है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बीमारी, सिकनेस, इलनेस या रुकावट या बीच में घबराहट या कोई और परेशानी देने वाले होते हैं, जिस अंग में है उससे अधिक अट्रैक्शन होता है, उससे अधिक उसका तो नहीं सर, पर एक बाजू में 3-4-5 ऐसे हैं, ऐसे दोनों बाजू में भी हैं, तो इसका मतलब अगर 3-4-5 एक बाजू में है तो मींस आपका हाथ खाली नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, जो जिसको हम नॉर्मल सी बात है कहें, जो यात्रा रेखाएं हैं, शारीरिक रेखा, समुद्री रेखा, हवाई रेखा, मानसिक रेखा, इस तरह की पोजिशन आपकी हथेली में होगी, तो मीन्स आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वर्क के लिए, किसी और काम के लिए हाथ आपका चल रहा है। कभी आपने देखा होगा, आप बैठे होते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं या दूसरों को भी आप नोटिस करें, हो सकता है आप ना करते हो या करते हो, तो कई जातक जातिकाओं के पैर थोड़े थोड़े चलते रहते हैं, हिलते रहते, बैठे हुए भी हिलाते रहते हैं, वो घुटनों को, एड़ी को चेंज करते हैं। मेरे बेटे कई हिलते हैं सर, वो टांगे आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं, उनको कहीं कहीं चैन नहीं है, उनको कहीं कहीं वो बहुत मूव कर रहे हैं, आप मजबूरी में बैठे हैं, वास्तव में बैठे हैं, जरूरत से बैठे हैं, वजह से बैठे, हाँ वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स या दूसरी बात, अगर उससे भी ज्यादा अगर हिल रहा हो, बहुत ज्यादा पोस्चर वो बैठने का बहुत ज्यादा चेंज करता हो, करती हो, चाहे आप पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाए, सीधे पैर करके बैठ जाए फिर मुड़ लें, चाहे नीचे हो, जमीन में हो, पालती मार के बैठ रहे हो, चेयर में बैठ रहे हो, बेड में बैठ रहे हो, आसन पे बैठते हो, एक पोस्चर पे जितना पॉसिबल हो लंबे समय तक बैठने वाला वो कहीं ना कहीं योगी है। एक से अधिक पोस्चर करने वाला, बहुत ज्यादा हिलने डुलने वाला, विशेषतः कमर से नीचे के हिस्से में, या फिर ज्यादातर हम बात करें घुटने से नीचे के हिस्से में पैरों के लिए, तो वो उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी झलक रही है, उसका अलर्टनेस कहीं ना कहीं वो उसको बार बार क्लिक कर रही है, उसको घड़ी जो बार बार क्लिक टिक 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 कर रही है कि तुम अब आइडल मत बैठो। आप सोते हुए भी देख सकते हैं, नींद में भी देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पोस्चर चेंज करते हैं, एक ही करवट में सीधे या पेट के बल ही नहीं सो पाते, है ना, तो मीन्स उनका जो इन्वॉल्वमेंट है अधिक हो रहा है, तो बहुत ज्यादा तिल होने भी बहुत अच्छे नहीं। हाँ, तिलों की पोजीशन भी एग्जैक्टली वैसी ही है, ये बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, बदल भी रहे हैं, नए भी आ जाते हैं या डिलीट भी हो जाते हैं, ओमिट भी हो जाते हैं। हाँ, अब कोई तिल ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का है तो उसके रिजल्ट्स बहुत हार्मफुल नहीं है। रेड कलर का तिल अगर कहीं आ रहा हो तो वो दुर्घटना देने वाला, विपत्ति देने वाला, एक्सीडेंट देने वाला या कोई न कोई ऐसा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होता है। अब जितने ज्यादा अधिक तिल हैं, हाथ में है, हथेली में है, फेस में है, बॉडी में है, किसी और पार्ट में भी हैं, तो वो उस एरिया को एग्जेजरेट ही करते हैं, उसके फलों को वो कहीं ज्यादा
झूला हल्का पुश कर दो, थोड़ा झूला ठीक है, लेकिन आप बहुत हिट करके झूला दे दिया, पता चला वो रस्सी ही टूट गई, झूला ही टूट गया, या गिर ही गया, या उस पर जिसमें वो हैंग किया वही टूट गया, तो ऐसी पोजीशन हो सकती है, बहुत अच्छा नहीं माना। ले ये आज की आखिरी चाय हमारी तो बहुत सारी सोने की चूड़ियां डलेंगी सोने की नहीं, उसमें वो डायमंड लगे हुए हैं कहीं ना कहीं सर अगर पीछे की हो आप अगर पीछे हो, पीछे का हिस्सा हमारा क्या है, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, पीछे के हिस्से में हमारे को क्या चीज दिखती है, थोड़ा अगर फिजिकली वीक हो, ओल्ड एज ज्यादा हो जाए, बैक आप देखेंगे तो हड्डियां दिखती है एक, या इसमें कोई नसें दिखती है, नसें दिखती हैं, स्किन लूज हो जाए तो जैसे समझने का बिल्कुल झुर्रियां दिखती है, ठीक है, और लेकिन चाहे हड्डियां दिख रही हों, झुर्रियां दिख रही हों, या बीच में इसमें कुछ बाल भी होते हैं, छोटे मोटे जितने बाल हैं ये दिखते हैं, तो ये सारे चीज बेसिकली बैक एरिया हाथ को हथेली को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ये प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। जैसे आजकल जो कोरोना के टाइम में लोग, कई बार मैं डांटता हूँ, मेरे ऑफिस में डांटता हूँ, वो 8-10 बार खाने के लिए वो ग्लव्स को ऐसी वॉश कर लेते हैं, सैनिटाइज यूज कर रहे हैं, भैया मत खाओ इससे, सर मैं स्पून से खा रहा हूँ, मत खाओ इसको, हटाओ यार, क्यों स्किन को खराब कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। अब वो जो बार बार टोक देता हूँ जो बहुत ज्यादा मिलने वाले, तो वो फिर मेरे पास आते वो उतार के आ जाते हैं, मैं कह भाई तुम हाथ स्किन अपने कैसे करेगा सर, घर कर ये करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा होने वाला काम भी ठीक नहीं है, वो जब प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तिल हो रहे हैं, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को, प्रोटेक्शन की स्ट्रेंथ को कम कर रहे होते हैं, है ना। नसें जो दिखती हैं, वीन्स का काम क्या है हमारी बॉडी में, अब हम वो तो बात नहीं कर रहे, फिजिक तो नहीं पढ़ रहे, वीन्स का काम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है ना, इनमें कहीं नसमा आ रहा हो तो ब्लड सर्कुलेशन में कहीं हिंड्रेंस दे सकता है, और जगह कहीं आप दिखता हो तो वो जो भी एरिया हमारा आ रहा है उस एरिया में हिंड्रेंस देने वाला है, वो एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे कैमोफ्लाज हो रहा था अंगूठे के से, या बीच की उंगलियों के बीच में कैमोफ्लाज हो रहा था तो पीछे है, तो वो कैमोफ्लाज होके भी उसका इफेक्ट इम्पैक्ट जो है कैंसिल नहीं हुआ, नलीफाई नहीं हुआ, बट उसका प्रभाव हुआ जिस क्षेत्र में आ रहा, जिस पर्वत पर आता हो, उस पर्वत के रिजल्ट वो थोड़ा बहुत देगा, बैक में भी तो जैसे बैक है ये और इसमें एक ही है काले वाले, तो हाँ अभी अंगूठे की जड़ में ना, ये कहाँ पर आ रहा है, ये नीचे की एरिया में आ रहा है, भाई बंद के एरिया में आता है यहाँ पर, या ये एरिया यहाँ से जो आपको घूम के आ रहा है ये यहाँ तक, ये लाइफ लाइन का एरिया भी आता है फ्रंट से आप देखेंगे, है ना, तो ये जब आया होगा, कितना आया मुझे नहीं पता, तो कहीं ना कहीं अगर बाई बर्थ है आपके तो भाई बहनों में दिक्कत हुई होगी, भाई बहन होने में दिक्कत हुई होगी, भाई बहन होने के बाद अगर ये आया होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भाई बहन को सिकनेस हुई, या उनके होने की वजह से आपका शेयर कम हुआ, बहुत नीचे नहीं है ये, थोड़ा ऊपर ही जैसे है ना ये, तो थोड़ा कोई बात नहीं, एरिया वही एरिया में है, उसी एरिया में, और या भाई बहन का नहीं भी हुआ हो, यहाँ पर जहां पर ये दिखता है यहाँ पर हुआ हो, तो ये पूरा जो माउंट है वीनस का, शुक्र का जो पर्वत है, ये आपकी भोग विलास लग्जरी कंफर्ट से ड्यू होना है, आपको एक्सपेंडिंग पावर या और चीजें आपको जो मिलनी थी, गाड़ी घोड़ा जितनी सारी चीजें थी, इनमें कहीं ना कहीं अगर जिस टाइम से है इनमें कहीं ना कहीं इसने डेंट किया, इसने कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी ला दी, कुछ ना कुछ कमी की, ऐसा इसका इंडिकेशन होता है। अगर ये अभी शुरू हुआ है तो उसका आगे का इफेक्ट तो जैसे कैमोफ्लेज हो रहा है, ढक जा रहा है, तो उसका फल था ना, चाहे उंगलियों के बीच में यहाँ हो रहा है तो पीछे भी हो रहा था, उसका फल तो मिलेगा ही आगे, पीछे से फल तो हम प्रेडिक्शन कर नहीं रहे कुछ पॉमिस्ट्री में। मेरा बर्थ के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं सकता उसकी वजह से नहीं। अभी आपने नोटिस किया कितने टाइम से है, क्या बर्थ के टाइम से ही है या अभी हुआ? अब हाथ हस्त रेखा सीखा तो अब ध्यान, हाँ तो नोट तभी करता है ना, तो ऐसा इंडिकेट होता है। मेरे ख्याल तिलों की बात हम इतनी करते हैं, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं तिलों के लिए, फिर हर अंग के लिए हम बात करते हैं। आप एक चीज और कहते हैं, पैरों में आपने चक्र, पैरों में तिल सुने,
जैसे मैं अभी करता हूँ, डिससेटिस्फाइड रहता है, है ना, पैरों में तिल वाला भी वो भागता ही रहता है, वो टिक नहीं सकता, या उसको मजबूरी में हो या रियलिटी में उसको चलना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है, ऐसा भी पैरों में चक्कर है। ये तिलों का इम्पैक्ट इफेक्ट ऐसा था। मेरे ख्याल शंख चक्र की बात कर ले आज क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। शर्मा जी वो लग सकता है क्या? वर्मा जी पीपीटी लग सकती है, उसमें देखना 43-44 नंबर स्लाइड शायद कुछ होगी शंख चक्र के बारे में। अभी देखता सर, 43 या 44 नंबर पीपीटी, ये आप लोगों को मेरे ख्याल शेयर कर दी शर्मा जी ने उसमें ना ग्रुप में जो थी, और देख लेंगे सर एक बार उसको टेलीग्राम। अच्छा, टेलीग्राम में शेयर की होगी। हाँ, उसी में शेयर की होगी। सारा सिस्टम ही स्लो हो गया। आपने बड़ा माल भर रखा है उसमें, बहुत क्लासेस ले रहे हो आप। हाँ चलिए, मैं इसमें दो तरह के चिन्ह होते हैं, मैं चिन्ह तो बना देता हूँ पहले।